अज्ञानता की आग में धू धू कर जल रहे झारखंड के जंगल। नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। इन दिनों झारखंड के अलग अलग जगहों में जंगलों में आग लगी हुई है। स्थानीय लोग और वन विभाग इस आग के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं। लोहरदगा, सिमडेगा, हजारीबाग, गढ़वा आदि जिलों के जंगलों में आग लगी हुई है। सिमडेगा के मशहूर पहाड़ जेरेवा में आग लगी हुई है, तो वहीं हजारीबाग में अपना रौद्र रूप दिखाते हुए आग की लपटें अमनारी तक जा पहुंची है। गढ़वा जिले के मोहा जंगल में आग लगी हुई है, तो वहीं बात अगर लोहरदगा की करें, जो हरियाली और जंगलों से परिपूर्ण माना जाता है, वहां की जंगलें भी आग की लपटों से अछूती नहीं रही हैं। सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये आग लगती कैसे है। दरअसल बात अगर विशेषकर झारखंड की करें, तो यहाँ आग लगने के दो प्रमुख कारण हैं, महुआ और विशु शिकार। गर्मी का मौसम शुरू होते ही महुआ के फूल चुनने के लिए, सूखे पत्तों को साफ करने के लिए लोग उनमें आग लगा देते हैं, जिससे वह आग धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाती है। विशु शिकार के दौरान जंगली जीवों का शिकार करने के लिए ग्रामीण जानबूझकर जंगलों में आग लगा देते हैं, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यह वन विभाग की एक बड़ी नाकामी है, जहां वन विभाग को जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं वन विभाग लोगों में जागरूकता फैलाने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। जिन कारणों से जंगलों में आग लग रही है, उससे साफ तौर पर झलकता है कि वन विभाग जागरूकता फैलाने में पूरी तरह से असफल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप भी है कि जंगलों में आग लग रही है और वन विभाग गहरी नींद में सो रहा है। देखिए, हम लोग गांव में जो है, जिसका महुआ जंगल में है, एक पेड़ है, और ये लोग एक पेड़ को साफ करने का चक्कर में, महुआ बिछने का चक्कर में पूरा जंगल में आग लगा देते हैं। तो इससे बहुत कुछ जो जल के राख हो जाता है। देखिए कितना हरा भरा दिख रहा है, इसको भी वो लोग आग लगा के कैसे कर दे रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कहाँ कहें, किसको कहें, बोलिए। अब उधर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, जो हम लोग गांव से मिल के कुछ कह सकते हैं। जिसका एक पेड़ है जंगल में, वो भी पूरा आग लगा के सब जंगल को देख रहे हैं। आप देखिए रहे हैं, उधर देख सकते हैं कैसे कर दिए हैं। एक महुआ के पेड़ के चलते इतने ज़्यादा पेड़ जंतु सब मर रहे हैं। यहाँ के गांववासी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ कोई आगमन नहीं हो रहा है ये गाँव में, इसलिए कोई समझदार नहीं है और कोई जानते नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जंगल कैसे तबाह हो जा रहा है। कोई लोग कंप्लेन करते हैं नहीं जाके, इसलिए यहाँ के लोग पूरा खुलेआम ऐसा करते हैं, पूरा पहाड़ में। ये तो जंगल छोटा सा यहाँ पर लगा हुआ है, और भी देखिएगा, बड़े बड़े पहाड़ में एकदम आग जलते हैं। रात को देखिएगा तो इतना ज़्यादा दिखते हैं ना कि पूरा जंगल बर्बाद हो जाएंगे जैसे। देखिए आप, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करते हैं। जंगलों में आग लगने से जहाँ प्राकृतिक संपदा का नुकसान हो रहा है, वहीं पर्यावरण को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आवश्यकता है कि लोगों को जागरूक बनाया जाए, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया और अमेजन के जंगलों में लगी आग की मार्मिक तस्वीरें अभी तक भूल नहीं पाए होंगे। भी आप लोग को खरीदना पड़ेगा, और हवा मुफ्त मिल रही है तो उसकी कीमत नहीं पता चलती है, लेकिन आप उनसे पूछिए जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और ऑक्सीजन दिया जाता है, उनका एक सिलेंडर का कीमत 1000 आता है, और अगर वो आदमी महीना दिन भर्ती रहता है तो उसको लाखों करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं।
लेकिन एक हवा हम लोग मुफ्त अभी ले रहे हैं तो इसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। और यह हवा हमें तो देता कौन है, यह हवा हमें पेड़ पौधे देते हैं। आप देख लीजिए अपने सामने पेड़ अभी जो है लहरा रहे हैं, यह हवा हमें दे रहे हैं। अगर यही पेड़ है नहीं रहेगा तो आपको हवा नहीं मिलेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।